देखिए मैं तो कहूँगा कि जनता को बलदेव सिंह जैसे लोगों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिनके लिए रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि आप इस समस्या का समाधान ढूंढें। अगर शंकर प्रसाद के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठी तो सरकार को कौन बचाएगा? आदित्य, तुम ज्योति से मिलकर सारे कहानी चेक करो, ये पता लगाना जरूरी है परसिल कंपनी वालों को हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया। निधि आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। वित्त मंत्री जी कहाँ हैं? आंटी जी दरअसल माँ रेडी हो रही है, आप बैठिए, मैं माँ को बुला लाती हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। थोड़ी देर पहले मैंने गृह मंत्री जी से बात की थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयोग बिठाने के मामले में गृह मंत्रालय क्या सोच रहा है और सरकार किस नतीजे पर पहुंची है? अब अदालत के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अब पता नहीं अदालत ने क्या सोचकर आयोग का गठन खुद के हाथ में ना लेते हुए इसकी जिम्मेदारी सरकार के हाथों में दे दी। मैं तो सोचती हूँ कि अगर अदालत ने आयोग के गठन का फैसला खुद किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सरकार के सामने ये मुश्किलें तो ना खड़ी होती। आंटी जी शायद अदालत भी यही देख रही हो कि सरकार अपने हिस्से की ईमानदारी निभा रही है या नहीं। लीजिए, अब हम तो ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ही ना। ठीक कह रही हैं आप। शंकर प्रसाद को भी इस बात की खबर होगी कि उनके खिलाफ आयोग बिठाना सरकार की मजबूरी है और वो भी अपने आप को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई कोशिश कर रहे होंगे। हमारा खेल जो चल रहा हो तो चल ही रहा है सरकार, लेकिन दुश्मन को मिटाने के साथ साथ खुद के रास्ते तलाशने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो, मैंने भी खुद को बचाने के रास्ते तलाश लिए हैं। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है, वरना मैं तो इसी बात से परेशान होकर आई थी कि आपके खिलाफ आयोग बिठाने की बात की जा रही है। और अगर एक बार आयोग बिठा दिया गया ना तो मामला हाथ से निकल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कानून के शिकंजे में फंस जाएं। मेरे जैसे तमाम लोग जो करते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भी कानून इतनी आसानी से हाथ नहीं डाल पाएगा। पहले तो मुझे इसी बात की चिंता सता रही थी, लेकिन अब मेरी चिंता दूर हो गई है। लेकिन शंकर जी, मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। आपने खुद को बचाने का क्या रास्ता ढूंढा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शारदा देवी पर अपना गुस्सा बिल्कुल जाहिर मत कीजिएगा, उनको गलत ठहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यानी शारदा देवी ने मेरे पैरों में संजीर पहनाने की तैयारी की है और ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता। मैंने तो इस बारे में बाकायदा बात की है। कमाल की बात करते हैं आप भी शंकर जी, जिसके लिए आपने सर्वमुक्ति योजना बनाई, जिसकी मुक्ति का इंतजाम आपने खुद किया है, उसी को गलत और बुरा ठहराकर क्यों दूसरे लोगों को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं? रजनी जी बिल्कुल सही कर रही है सरकार। अब आपको झुक के रहना चाहिए। जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप शारदा देवी को अपना दुश्मन समझते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। जुबान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं लौटते। कुछ बातें जुबान से फिसल चुकी हैं, लेकिन अभी भी वक्त है उन्हें संभालने का मैं संभाल लूंगा। खुद को बचाने के बारे में आपने क्या सोचा है? मैं नहीं चाहती कि बात खत्म होकर भी खत्म ना हो। आपके खिलाफ आयोग का गठन होगा और अगर सर्व मुक्ति योजना को अंजाम दिया गया तो हो सकता है लोग ये समझ बैठे कि शारदा देवी के इस कदम से नाराज होकर कहीं आपने ही तो उन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया है। ठीक कह रही हैं आप। सचमुच राजनीति की गहराई को बड़े अच्छे ढंग से समझाया आपने रजनी जी। अब की बार मैं मुख्यमंत्री बना ना, गृह मंत्री आप ही बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ये तो बताइए आयोग के गठन को लेकर जो हलचल मची हुई है, क्या आप उस आयोग के गठन को हो जाने देंगे? आयोग का गठन तो होगा लल्लन, लेकिन उसमें मेरे अपने लोग हों। मैं आचार्य जी और देवव्रत जी को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि आयोग में मेरी पसंद के लोग हों। देखिए इससे दो बातें बनेंगी। एक तो ये कि इसके बाद मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि मुझे सरकार से या शारदा देवी से कोई शिकायत है। और दूसरा ये कि जब अपना आयोग होगा तो रिपोर्ट अपनी होगी और रिपोर्ट अपनी होगी तो मामला बड़ी आसानी से रफा दफा हो जाएगा। वाह बिल्कुल सही सोचा है आपने। अब तक की कड़वाहट को ढकने का ये बिल्कुल सही तरीका होगा, लेकिन क्या शारदा देवी और आचार्य जी आपकी इस बात को मानेंगे? उन्हें मानना ही होगा, आखिर अपनी सरकार हो ये तो आचार्य जी भी चाहते हैं ना, उन्हें मानना ही पड़ेगा। मैम वो फाइलें जिन पर मुझे शक था वो ऑफिस से गायब हो चुकी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन फाइलों की वजह से ये पूरा मामला खुल सकता था और शायद इसीलिए वो फाइलें गायब कर दी गई। मुझे लगा कि मैं आपको ये बात बता दूं। जी मैम जी, थैंक यू। हाय ज्योति। हाय आदित्य। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी की तैयारियां क्या करनी है ज्योति? हमने तो सोचा है कि शादी बिल्कुल सादे ढंग से होगी और वैसे भी हम ना ही तो पूंजीपति हैं, ना ही पॉलिटिशियन और ना ही बिजनेसमैन, हम तो जनता के सेवक हैं। ठीक कह रहे हो, शादी के नाम पर पैसा फूकना मैं भी इसे गलत मानती हूँ। देखो ना शादी में लोग कितना पैसा फूक देते हैं, वही पैसा किसी और की मदद के काम भी आ सकता है। समाज की सोच ही कुछ ऐसी है ज्योति, लोग अपनी शादी में शान और शौकत दिखाने के लिए कर्ज लेने से भी नहीं चूकते। शादी तो बस एक दिन की होती है और वो सालों साल कर्ज चुकाते रहते हैं। हाँ, और जो पहले से ही कर्ज में लदे हो वो शादी की खुशियां क्या मनाएंगे। खैर मैडम कहाँ हैं? मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। मैम तो बाहर गई हुई हैं, अगर तुम्हें उनसे मिलना था तो तुम आने से पहले एक बार फोन कर लेते। कोई बात नहीं, मैं उनसे घर पर मिल लूंगा। वैसे तुम अभी फोन पर क्या कह रहे हो? जिन फाइलों पर मुझे शक था वो फाइलें ऑफिस से गायब हो गई। क्या 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 ये क्या कह रही हैं आप? ऑफिस से कैसे फाइलें गायब हो सकती हैं? गायब हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर उन फाइलों में कोई गड़बड़ी थी ही नहीं तो फाइलें गायब क्यों हुई? हो ना हो इस ऑफिस में कोई ना कोई तो है जो इन सबका सूत्रधार है। नमस्कार आचार्य जी। आइए आइए मुख्यमंत्री जी। ओह माफ कीजिए शंकर प्रसाद जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था विराज। धन्यवाद। फरमाइए। पार्टी सचिव महोदय का फोन आया था, वो मुझे बताना चाहते थे कि सरकार एक आयोग का गठन कर रही है जो मेरे मामले की छानबीन करेगा और रिपोर्ट देगा। देखिए, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है, इसलिए हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं। विकल्प ढूंढे जाते हैं आचार्य, लेकिन विकल्प वहां ढूंढा जाता है जहां बात को संभालने की कोशिश की जा रही है, जहां एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां पहले से ही फंसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो वहां विकल्प ढूंढा जाएगा। इस बात की उम्मीद मुझे जरा कम है। अगर ऐसा ही है तो आप ही कोई विकल्प बताइए, मैं उस पर जरूर अमल करवाऊंगा। शंकर प्रसाद जी, आप तो खुद इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप कानूनी मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आचार्य जी, मैं कानूनी मजबूरियां ही नहीं बल्कि शारदा देवी और बलदेव सिंह के मंसूबे भी अच्छी तरह समझता हूं। आप लोग आयोग का गठन करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उस आयोग के सदस्य वही लोग होंगे जिन्हें मैं चाहूं। ये बात पार्टी से बाहर नहीं जाएगी कि सरकार ने जिस आयोग का गठन किया है उसके सदस्य मेरे अपने लोग होंगे। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आयोग के सदस्य किसके परिचित हैं, कौन है। अच्छा अच्छा, तो आप ये विकल्प सोच कर रहा। आचार्य जी, अगर सरकार मजबूरी में ये काम कर रही है तो उसे मेरी बात मानने से भी इनकार नहीं होना चाहिए। मैं सदस्यों की एक लिस्ट सौंप दूंगा, उनमें से 3 सदस्य जिसे चाहे वो चुन लें। बहुत अच्छे, यानी आपकी सुविधा के लिए वो आप ही के लोग होंगे। क्या ये बार बार बताने की जरूरत है आचार्य जी? आप सिर्फ इतना बताइए कि आपकी पार्टी और सरकार क्या मेरी ये बात मानेगी? नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार सहमत जी। देखिए, मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने आयोग के मेंबर्स की लिस्ट बना ली है? नहीं आचार्य जी, अभी तो लिस्ट बननी बाकी है। देखिए, विकल्प के तौर पर शंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने एक पेशकश रखी है कि आयोग के मेंबर उनकी पसंद के होंगे। वो मेंबर्स की लिस्ट आपको भेज देंगे और उनमें से किसी 3 को आपको चुनना होगा। जी वो बहुत बहुत धन्यवाद। विकल्प के तौर पर शंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने एक पेशकश, आयोग के मेंबर उनकी पसंद के होंगे। वो मेंबर्स की लिस्ट आपको भेज देंगे और उनमें से किसी 3 को आपको चुनना होगा। दिव्या, मेरे केबिन में आओ। मे आई कम इन सर? कम। दिव्या, एक फैक्स आने वाला था, तुम उसे लेकर आओ। उसमें कुछ लोगों के नाम हैं। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ ऐसी ही बात है दिव्या, ये राजनीति का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि बेईमान बेईमानी तो कर जाता है लेकिन ईमानदार ईमानदारी से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर सरकार चलाने का बोझ डाल दिया जाता है। अरे सरकार को कायम रखने का बोझ डाल दिया जाता है और समझौता एक मजबूरी बनकर रह जाती है। लेकिन सर, अगर आप कोई समझौता करेंगे तो ये तो बड़ी दुख की बात होगी। दुख की बात तो है और दुख की बात तो मेरे लिए ये भी है कि मैं परेशान होकर रह जाता हूँ। जब से ये मुद्दा सामने आया है रात भर नींद नहीं आती। अपराध की परिभाषा ही कुछ ऐसी है, अपराधी अपने एक अपराध को छुपाने के लिए अपराध